प्यारे तुलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात शशम। जमात शशम में दसवीं नज़म है गाय और बकरी। इस गाय और बकरी में दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, यानी पार्ट टू। यहाँ से नज़म शुरू है, ये दूसरा हिस्सा पार्ट टू है। और इसके लिखने वाले शायर कौन है? अलामा इकबाल। इसी तरह तस्वीर में देखो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रही? गाय। और यहाँ पे पूरा जंगल का इलाका नज़र आ रहा है। इसी तरह देखो, यहाँ पे नज़म है। एक चरागाह हरी भरी थी कहीं, थी सरापा बहार जिसकी ज़मीन। क्या समा उस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ नदियां थी रवां। किसी नदी के पास एक बकरी चढ़ते चढ़ते कहीं से आ निकली। जब ठहर कर इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़े पाया। पहले झुककर इसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया। क्यों बड़ी भी मिजाज कैसे हैं, गाय बोली के खैर अच्छे हैं। कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में ज़िंदगी अपनी। जोर चलता नहीं गरीबों का, पेश आया लिखा नसीबों का। आदमी से कोई भला ना करे, उससे पाला पड़े खुदा ना करे। दूध कम दूँ तो बड़बड़ाता है, हो जो दुबली तो बेच खाता है। इसके बच्चों को पालती हूँ मैं, दूध से जान डालती हूँ मैं। यानी शायर इस नज़म में क्या बयान कर रहे हैं कि इस नज़म में गाय और बकरी के बारे में दोनों के दरमियान गुफ्तगू है। क्या बोल के? एक चरागाह हरी भरी थी कहीं। चरागाह के माने हैं जानवर चरने की जगह। चरागाह के माने हैं, देखो तुलबा, जानवर चरने की जगह जो रहती ना, जंगल का इलाका जहाँ पे हरा भरा घास रहता। इसी तरह एक चरागाह हरी भरी थी कहीं, यानि जानवर चरने की जगह पे जानवर चल रहे थे। कौन कौन? गाय और बकरी। थी सरापा बाहर जिसकी ज़मीन। क्या था वहाँ पे? बाहर का मौसम। क्या समा, यानि समा के माने है नज़ारा। उस बाहर का हो गया, बाहर का मौसम बहुत ही हरा भरा था। हर तरफ साफ नदियाँ थे। क्या दिखाई दे रहे थे? हर तरफ नदियाँ ही नदियाँ दिखाई दे रहे थे। किसी नदी के पास एक बकरी क्या करी? चढ़ते चढ़ते कहीं से आ निकली। नदी के पास से क्या हुआ? चढ़ते चढ़ते बकरी निकली। जब टहल कर इधर उधर देखा, पास से एक गाय को खड़े। क्या करी बकरी इधर उधर देखकर? वहाँ पे कौन दिखाई दी? गाय। पहले झुककर इसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया। क्या करी बकरी गाय को? फिर झुककर इसे सलाम किया अदब से। उसके बाद क्यों बड़ी भी मिजाज कैसे है, बल्कि कौन पूछ रही? गाय। इसी तरह इसका खुलासा पूरा है। यहाँ पे देखो, एक चरागाह हरी भरी थी कहीं, थी सरापा बहार जिसका ज़मीन। क्या समा उस बहार का हो बयां, हर तरफ नदियाँ साफ थे। ये क्या है? इस पूरी नज़म है ना, पहला हिस्सा नज़म का, दूसरा हिस्सा यानी नज़म का ये पहला हिस्सा है। इसमें इसका खुलासा देखेंगे, इस हिस्से का खुलासा देखो। यहाँ पे एक हरी भरी चरागाह, यानी हरी भरी घास के खत्ते में एक बकरी चढ़ते चढ़ते क्या करा? एक हरे भरे घास यानी जानवर चरने की जगह के खत्ते में, एरिया में एक बकरी चढ़ते चढ़ते क्या करी? ऐसी जगह निकल आई जहाँ एक गाय खड़ी थी। क्या खड़ी थी वहाँ पे? एक गाय। तो उसे देखकर वो मुंह दबाना खड़ी। क्या करी वहाँ पे? जहाँ एक गाय खड़ी थी तो उसे देखकर मुंह दबाना खड़ी हुई। तो सलाम दुआ के बाद गाय की कैफियत पूछी। तो बकरी क्या करी? चढ़ते चढ़ते वहाँ पे आ गई। तो वहाँ पे गाय दिखाई दी। तो क्या करी बकरी? से सलाम किया झुककर। कैफियत पूछी तो शिकायत करने लगी कि कहने को तो ठीक ही है, क्या है? खैरियत है क्या? बताओ, ठीक ही है, लेकिन उसकी ज़िंदगी मुसीबतों से घरी है। किसकी? गाय की। क्योंकि वो गरीब जानवर है गाय, और उसका फ़ायदा आदमी उठाते हैं। किसका फ़ायदा? गाय का। और वो दूध अपने बच्चों को पिलाते हैं, लेकिन आदमी है कि हमारे आराम का ख्याल नहीं करता। क्या बोल रहे यहाँ पे? गाय की। पहले चढ़ते चढ़ते गाय के पास बकरी आ गई, चढ़ते चढ़ते ऐसी जगह निकल आई जहाँ एक गाय खड़ी थी। गाय को पूछी, कौन? बकरी। पहले फर्स्ट आदाब से झुक के सलाम किया। सलाम करने के बाद गाय क्या करे? मुंह दबाकर खड़ी हुई थी। फिर सलाम दुआ के बाद बकरी क्या करी? गाय की कैफियत पूछने लगी। तो वो ठीक है बोली, लेकिन उसकी ज़िंदगी क्या है? गाय की मुसीबतों से गुजरी हुई। क्योंकि वो गरीब जानवर है,
और उसका फ़ायदा आदमी उठाते हैं, क्योंकि अगर दूध अपने बच्चों को पिलाते हैं किसका, गाय का, अगर एक दिन भी दूध कम दिए तो क्या करते, उसका आराम का ख्याल नहीं पूछते जानवरों का, कौन इंसान, अगर ज़रा भी दूध कम दिए तो उसको क्या करते, बड़बड़ाते रहते। इसी तरह क्या हुआ है यहाँ पे, आदमी है कि हमारे आराम का ख्याल भी नहीं करता, बोल के कौन बोल रही, गाय किससे, बकरी से। इसके बाद देखो हम इसका दूसरा हिस्सा कल पढ़ेंगे, पहले इसका दूसरा हिस्सा ख़त्म हुआ, इसका तीसरा हिस्सा कल पढ़ेंगे।